श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। हरतालिका तीज पर करें ये खास उपाय, दांपत्य जीवन में आ रही दूरियां होंगी खत्म। यह वीडियो आपके वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए कुछ अद्भुत और प्राचीन उपायों को प्रस्तुत करता है। यह विशेष तिजोरी में छिपी सुख और समृद्धि की कुंजियों का खुलासा करेगा, ताकि आपके दांपत्य जीवन में आने वाली दूरियां हमेशा के लिए खत्म हो सकें। इस वीडियो में हम आपको हरतालिका तीज पर करने योग्य प्रमुख उपायों के बारे में बताएंगे, जो आपके जीवन में लाएंगे सुख और समृद्धि का सुंदर संदेश। आज की वीडियो में हम आपको चार अचूक उपायों के बारे में बताएंगे, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण लास्ट वाला उपाय है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान का सागर में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हरतालिका तीज का व्रत भारतीय संस्कृति में महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है, जो सबसे अच्छे सुहाग को प्राप्त करने की इच्छा रखती हैं और अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। इस व्रत को हर साल चैत्र शुक्ल पक्ष की तीज तिथि और फिर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तीज को निर्जला व्रत के साथ मनाया जाता है। यह व्रत करने का मुख्य उद्देश्य है अखंड सौभाग्य की प्राप्ति करना, जिसमें सुहागिन महिलाएं अपने पतियों के लिए दीर्घायु और सुखमय जीवन की कामना करती हैं। इस व्रत को माना जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव के सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए हरतालिका तीज का व्रत रखा था, और इस प्रकार वे सदैव एक साथ रह सकते थे। यह व्रत निर्जला व्रत के रूप में रखा जाता है, जिसमें व्रती एक दिन तक भूखे रहते हैं और न पानी पीते हैं। इसका पालन व्रत के महत्व को और भी बढ़ा देता है और सब्र और त्याग की भावना को प्रमोट करता है। व्रत के इस महत्वपूर्ण आयोजन के माध्यम से महिलाएं अपने प्रेमी या पति के साथ सुखमय और समृद्धि भरे दांपत्य जीवन की कामना करती हैं, और यह धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस व्रत के पालन में निर्जला व्रत के रूप में व्रती दोपहर को व्रत खोलते हैं, जिसके बाद वे पूजा और अर्चना करती हैं। माँ पार्वती की पूजा के बाद व्रती गहनों में नई साड़ी और श्रृंगार के सामान से तैयारी करती है। ये सामान्य रूप से बाजुओं में चूड़ियाँ, हार, बिछुए और मेहंदी शामिल करती है। व्रत की पूजा के बाद व्रती अपने पति की ओर से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं और इसके बाद व्रत खुशी खुशी तोड़ती हैं। इसके बाद उन्हें प्रिय भोजन का आनंद लेने का अवसर मिलता है और वे अपने पति के साथ खास तौर पर तैयार किए गए खाने का स्वाद उठाती हैं। यह व्रत महिलाओं के बीच अद्भुत समृद्धि, प्रेम और पारिवारिक संबंधों के प्रतीक के रूप में माना जाता है, और यह उनकी सांस्कृतिक धार्मिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसके अलावा यह एक ऐसा अवसर होता है जब परिवार के सभी लोग एक साथ आते हैं और खुशियों का आनंद उठाते हैं। हरतालिका तीज का व्रत सिर्फ भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण परंपरागत आयोजन है, जो महिलाओं के आदर्श परिवार और सुखमय दांपत्य जीवन की कामना को प्रकट करता है। इस व्रत का आयोजन मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्यों में होता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान और हरियाणा में। वहीं नेपाल में भी हरतालिका तीज का बड़ा ही धूमधाम से आयोजन होता है। यह पर्व माँ पार्वती की भक्ति और पति पत्नी के संबंधों का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। विशेषकर महिलाएं इस दिन अपने पतियों की लंबी आयु और खुशी की कामना करती हैं, और वे उनके सुख शांति और प्रेम के लिए प्रार्थना करती हैं। हरतालिका तीज पर संयुक्त परिवार और मित्रों के साथ समय बिताना भी एक महत्वपूर्ण अंग होता है। इस दिन महिलाएं एक दूसरे के साथ खुशियों का साझा करती हैं और विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का आनंद लेती हैं। इससे परिवार में मजबूत संबंध बनते हैं और आपसी प्यार और समर्पण का परिचय होता है। इसके अलावा हरतालिका तीज का आयोजन महिलाओं के लिए एक मौका होता है अपनी सुंदरता को निखारने का, और वे खास तौर पर सजधज कर इस पर्व का आनंद उठाती हैं। समाप्ति रूप में हरतालिका तीज एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व है, जो परिवार के संबंधों को मजबूत करता है और प्रेम और सौभाग्य की कामना करता है। इसे ध्यानपूर्वक मनाने से हम सभी एक खुशहाल और समृद्ध जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। आपके और आपके परिवार के लिए हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हरतालिका तीज का यह पावन दिन दांपत्य जीवन के लिए एक नई शुरुआत का मौका प्रदान करता है और विशेष रूप से समर्पण के महत्व को दिखाता है, जो वे एक दूसरे के साथ रखते हैं।
ये एक ऐसा दिन है जब दांपत्य आपसी समझ, प्यार और साथी के साथ सफलता की कामना करते हैं। इस दिन के उपायों और खास रूप से व्रत का पालन करके दांपत्य अपने साथी के साथ और भी गहरी जड़ें बना सकते हैं। ये न सिर्फ उनके दांपत्य जीवन को खुशियों से भर देता है, बल्कि उन्हें अपने साथी के साथ मिलकर आने वाली चुनौतियों को भी सहने में मदद मिलती है। इसके अलावा हरतालिका तीज एक पारंपरिक महिलाओं का त्यौहार भी होता है, जिसमें वे अपनी सौभाग्य की प्राप्ति और पति के लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। इससे उन्हें एक आत्मा संयम और ध्यान की ओर बढ़ने का मौका मिलता है, जो उनके पारिवारिक और सामाजिक जीवन को सुखमय बनाता है। सारांश के रूप में, हरतालिका तीज एक महत्वपूर्ण धार्मिक त्यौहार है जो दाम्पत्य जीवन को खुशी और समृद्धि से भर देता है। इस दिन के उपायों का पालन करके आप अपने साथी के साथ सशक्त और सुखी जीवन की ओर बढ़ सकते हैं और सदैव एक दूसरे के साथ होने का आनंद उठा सकते हैं। जब बात हरतालिका तीज के व्रत के उपायों की होती है, तो यह दिन दाम्पत्य जीवन की सुख शांति और मेल मिलाप को बढ़ावा देने का एक अद्वितीय मौका प्रदान करता है। यहाँ हम आपको दाम्पत्य जीवन में आ रही संभावित परेशानियों को खत्म करने और खुशहाली को बढ़ाने के लिए कुछ खास उपायों के बारे में बता रहे हैं। पहला उपाय है, हरतालिका तीज का दिन वैवाहिक जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर पति पत्नी के बीच दूरियां आ रही हों, तो हरतालिका तीज के दिन पति पत्नी को किसी शिव मंदिर में जाकर शंकर भगवान की मूर्ति या शिवलिंग के सामने घी का चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। इस पावन क्रिया के माध्यम से उनकी दाम्पत्य संबंधों में एकत्रता बढ़ेगी और समस्याएं समाप्त होंगी। यह एक शक्तिशाली और धार्मिक उपाय है जो दाम्पत्य जीवन में सुख और समृद्धि लाने में मदद कर सकता है। एक और महत्वपूर्ण उपाय है, हरतालिका तीज के दिन अपने पति पत्नी के साथ सुहागिन महिलाएं शिवलिंग का अभिषेक दूध से करती हैं। इसके लिए एक पारंपरिक प्रक्रिया होती है। पहले शिवलिंग पर पानी, दूध, घी और योगराज लगाना होता है, फिर पुनः दूध डालकर अभिषेक करना होता है। इस सांस्कृतिक क्रिया के माध्यम से दाम्पत्य जीवन में प्रेम और समर्पण का परिचय होता है और समस्याओं का समाधान होता है। साथ ही हरतालिका तीज के दिन व्रत रखने वाली महिलाएं सुबह सवेरे शिव के मंदिर जाकर पूजा करती हैं और व्रत की कथा सुनती हैं। इसके बाद व्रत की पूजा में मिली प्रसाद को अपने पति को खिलाती हैं, जिससे उनका साथी सुख शांति से जीवन बिता सकता है। इसी तरह से हरतालिका तीज का व्रत न केवल आध्यात्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह दाम्पत्य जीवन में सुख, समृद्ध और समाधान की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। इस विशेष दिन को विश्वास और प्रेम के साथ मनाने से दाम्पत्य जीवन में बने रहने की बजाय और भी मजबूत हो सकता है। दूसरा उपाय है, वैवाहिक जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए हरतालिका तीज के दिन महिलाएं विशेष रूप से माता पार्वती की पूजा करती हैं। इसका महत्व इस बात में है कि माता पार्वती खुद विशेष रूप से पतिव्रता और सुख समृद्धि की सिंबल हैं। इस उपाय के द्वारा महिलाएं अपने पति की लंबी और सुखमय जीवन की कामना करती हैं। माता पार्वती को सिंदूर और लाल चूड़ियां अर्पित करने से महिलाएं अपने पति के साथ एक प्रेमपूर्ण और खुशहाल जीवन की कामना करती हैं। यह एक प्राचीन परंपरागत प्रक्रिया है, जिससे उनके साथ जीवन का हर पल सुखमय और समृद्ध हो। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करने से वैवाहिक जीवन में शिव की कृपा और सुरक्षा का आशीर्वाद मिलता है। ये मंत्र दाम्पत्य जीवन को सुरक्षित और सुखद बनाने के लिए प्राचीन समय से इस्तेमाल होता आ रहा है और आज भी महिलाएं इसका अनुसरण करती हैं। वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए हरतालिका तीज के दिन एक और महत्वपूर्ण उपाय है, जिसमें कुमकुम को लाल कपड़ों में बांधकर अपने बेडरूम की अलमारी में छुपा देना चाहिए। यह उपाय वैवाहिक जीवन में तनाव और दुखों को दूर करने के लिए प्राचीन भारतीय परंपरा का हिस्सा है। कुमकुम का रंग लाल होता है, जो प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक होता है। इसे लाल कपड़ों में बांधकर अलमारी में छुपाने से मान्यता है कि पति और पत्नी के बीच की मित्रता और प्रेम में सुखद परिवर्तन होता है। इसके साथ ही इस उपाय से वैवाहिक जीवन की समस्याओं को भी दूर किया जा सकता है और तनाव मुक्त जीवन की ओर एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। यह सरल और प्राचीन उपाय है, जो वैवाहिक जीवन में खुशियों की ओर एक प्रयास का संकेत करता है। तीसरा उपाय है, हरतालिका तीज के दिन सुबह स्नान करने के बाद पत्नी को अपने हाथ में पति के हल्दी की गांठ बांधना एक प्राचीन परंपरा है,
जो पति पत्नी के बीच का प्यार और मिलनसर रिश्ता सिद्ध करती है। इस अद्वितीय रीति में पत्नी अपने पति की लंबी आयु और सुख शांति की कामना करती है। शाम के समय इस गांठ को खोलकर पत्नी अपने धार्मिक स्थल में, जैसे कि मंदिर या पूजा स्थल में, कपड़ों में लपेट कर रखती हैं। यह प्रतीत होता है कि इस गांठ को खोलने से पति पत्नी का संबंध मजबूत होता है और वे एक दूसरे के साथ सुखमय और समृद्ध जीवन का आनंद उठा सकते हैं। इस रीति के माध्यम से परंपरागत और धार्मिक तरीके से पति पत्नी का आपसी प्यार और समर्थन स्थायी होता है और वे अपने वैवाहिक जीवन को और भी खास बनाने के लिए साथ मिलकर काम करते हैं। चौथा उपाय है, हरतालिका तीज के दिन पूजा के बाद घर के सभी कमरों में और खासकर बेडरूम में कपूर का आदर्शन करने से दाम्पत्य जीवन पर लगी बुरी नज़र उतरने लगती है और विवादों और संघर्षों का समाधान होता है। कपूर का आदर्शन यहाँ तक कि यह सुरक्षित रूप से जल सकता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। यह एक प्राचीन और प्रतिष्ठित परंपरागत उपाय है जो दाम्पत्य जीवन को सुखद और हमेशा के लिए मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। हरतालिका तीज के दिन खुद की शादी के जोड़े पर पति पत्नी साथ में कलावा लपेट कर एक दृष्टि में एक दूसरे के साथ शिव शक्ति की आदित्य प्राप्ति के लिए ध्यान करना चाहिए। ये सामाजिक और आध्यात्मिक एकत्रितता का प्रतीक है जो विवाहित जीवन में मजबूती और समरसता लाता है। इस उपाय से विवाहित जीवन की दृढ़ता और प्यार में वृद्धि होती है, जो दोनों के बीच संबंधों को सुखद बनाए रखने में मदद करता है। मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए कुंवारी कन्याएं हरतालिका तीज पर ये विशेष उपाय कर सकती हैं। इसके लिए हरतालिका तीज की शाम के समय शिव पार्वती जी के मंदिर में जाकर घी के 11 दीपक जलाने का प्रयास करें। यह पारंपरिक अद्भुत व्रत का पालन करने से मनचाहे जीवन साथी को प्राप्त करने की, किसी कन्या के सपनों को पूरा करने का एक शानदार तरीका हो सकता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से वे अपने जीवन साथी के साथ खुशी और समृद्धि से व्यतीत करने का अवसर प्राप्त कर सकती हैं। इसी तरह से हरतालिका तीज के उपायों से आप अपने जीवन में खुशहाली और सुख की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। याद रखें, ये उपाय ईमानदारी और भक्ति से किए जाने चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो के लिए बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारे नए अपडेट्स से पूर्णित रहें और ज़रूर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा करें। हम जल्द ही वापस आ रहे हैं एक नए और रोचक वीडियो के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, ध्यान दें और खुद का ख्याल रखें। फिर मिलते हैं।